नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं काशी के विश्वनाथ मंदिर में नंदी की प्रतिमा का मुंह ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। आप में से सभी लोग जानते हैं कि नंदी की प्रतिमा का मुंह उस तरफ होता है जिस तरफ भगवान शिव विराजमान होते हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहीं पर भगवान शिव का वह मंदिर था जिसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। आज जानेंगे पूरा इतिहास, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अब ज्ञानवापी मस्जिद को पवित्र करने का समय आ गया है। यह ज्ञानवापी मस्जिद है जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पर बनाया गया है। आधे परिसर को स्पष्ट रूप से ध्वस्त मंदिर के खंडहर के रूप में देखा जा सकता है। शिवलिंग ज्ञानवापी में विराजमान है और वो स्वयंभू है क्योंकि वो स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शंकर भगवान का काशी में स्थित जो असली ज्योतिर्लिंग मंदिर था उसे तोड़कर एक मस्जिद बना दी गई जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद है। बाद में अहिल्याबाई ने उस स्थान से दूर मंदिर निर्माण कराया जिसे आज काशी विश्वनाथ मंदिर कहते हैं। जी हाँ, जो असली ज्योतिर्लिंग था उसमें आज मस्जिद है। आप मस्जिद के साथ पुराने मंदिर की दीवार भी देख पाएंगे। बस इतना ही तो किया, कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया, यह काफी लोग कहते हैं। आइए बताते हैं आपको पूरा इतिहास। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ दिया गया था। इसे फिर से बनाया गया लेकिन एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तुड़वा दिया गया। पुनः सन 1585 ईस्वी में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिरों को तोड़ डाला। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। औरंगजेब के आदेश पर यहां का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई। औरंगजेब ने प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को मुसलमान बनाने का आदेश भी पारित किया था। आज उत्तर प्रदेश के 90% मुसलमानों के पूर्वज ब्राह्मण हैं, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, परंतु जो सत्य है वह कभी मिटाया नहीं जा सकता और औरंगजेब के फरमान आज भी सुरक्षित है। सन 1809 में काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद पर कब्जा कर लिया क्योंकि यह संपूर्ण क्षेत्र भगवान शिव के मंडप का क्षेत्र है जिसे आजकल ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्वयंभू भगवान विश्वनाथ और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच मुकदमा चल रहा है। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया बनारस भी वक्फ बोर्ड के साथ है। मुस्लिम पक्ष की मांग थी कि इस मामले में स्टे बरकरार रहे लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी है। हिंदू पक्ष का यह मानना है कि इसके पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं जो सामने आएंगे। सर्वेक्षण के लिए राडार तकनीक का इस्तेमाल करने की मांग की गई है। आशा है कि खुदाई के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसे मंदिर पक्ष का दावा पुख्ता हो जाएगा, जबकि मस्जिद पक्ष लगातार सुनवाई को रोकने और इसमें व्यवधान पैदा करने में लगा हुआ है क्योंकि वो जानते हैं वो केस तो ऐसे ही हार गए हैं लेकिन कोर्ट में साबित हो गया तो फिर से एक राम मंदिर बन जाएगा जो सेकुलरिज्म के नाम पे कलंक होगा क्योंकि उसका ठेका तो हिंदुओं ने ले रखा है। सारे हिंदुओं के हृदय में काशी और मथुरा विराजमान है, कितना भी रोकने की कोशिश की जाएगी लेकिन ये मुद्दे कभी शांत नहीं होंगे। काशी भी हमारी थी, मथुरा भी हमारी है, हम जरूर एक न एक दिन उसे हासिल करेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इच्छा हो तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।